एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है वो आप ब्यूटीफुल क्लाउडी वेदर जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि हम गए थे आउटिंग पे, उसके बाद जो है वो हम आ गए थे घर पे। और यहाँ पे जो है वो इवनिंग का टाइम है और हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय और सम स्नैक्स जो है वो मैंने रखे हुए हैं। सो इसकी भी मैंने शॉर्ट सी वीडियो जो है वो मैंने बना ली थी। और इसके बाद जो है आज मैं बना रही हूँ घर में होममेड बर्गर्स। और जो इसकी पैटी होगी वो आप देख लेंगे कि मैं किस चीज़ को पैटी के तौर पे यूज़ करती हूँ। ये एक हैक है। यहाँ पे जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये मैंने जो है ज़र्दा बनाया था ब्राउन शुगर में। और इसकी फनी बात यह है कि ब्राउन शुगर का जो कलर था वो जो मतलब ज़र्दे का रंग था, मतलब ज़र्दा रंग जो मैंने चावलों में डाला था, वो ब्राउन शुगर डालने की वजह से वो ब्राउन कलर हो गया। लाइक ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गुड़ वाले चावल होते हैं सेम एज़ वैसे ही हैं, पर टेस्ट वाइज बहुत यम्मी थे। सो वो मैं आपको क्लिप में स्टार्ट में दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैंने घर पे बनाई हैं। और ये जो है मेन जो पैटी जिसको पैटी के तौर पर मैं यूज़ करूँगी, ये है सबरसो के डोनट्स, और इसको मैं एज अ पैटी के तौर पर यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर मैंने कॉर्न मील ब्रेड जो है बंस जो है वो लिए हैं, और उसको मैं लाइट सा ना उसको भी गर्म कर लूँगी। तो अभी जस्ट मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रख दिया है डोनर्स को। और यहाँ पे पैन में मैं ऑयल लूँगी और इसमें जो है अंडे हैं वो फ्राई कर लूँगी। और जो अंडे हैं उसमें मैं ऐड करूँगी पेपरिका फ्लेक्स और पेपरिका जो सीजनिंग होती है वो, और ऐड करूँगी सॉल्ट। उनको मिक्स करके मैं इनको जैसे ऑमलेट सा बनाते हैं आपने वो बना लेना है। ऑमलेट जो था वो बन के रेडी था। यहाँ पे जो है ब्रेड है उसको भी लाइट गोल्डन सा मैं कर लूँगी, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। और जैसे ही हो जाएंगे तो हमारी चीज़ें जो हैं वो सारी बन जाएंगी और अब असेंबल करने का टाइम आ जाएगा। इसके साथ जो है वो मैंने आइसबर्ग भी थी वो भी काट के रखी थी। सो पैटी के ऊपर मैंने मेयोनीज ऐड की है, और वो लगाने के बाद इसके ऊपर जो है डोनट्स को मैं हाथ से ही तोड़ के उनको मैं लगा दूंगी। और आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा मैंने ख़ास नहीं किया, जो है वो आपके सामने है। सो मैंने दो डोनट्स लेके मैंने लगा दिए हैं और ऊपर ऑमलेट, और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी जो मस्टर्ड पेस्ट जो होती है वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो मतलब थोड़ी सी डाल दूंगी। और इसके बाद जो होगा ऐड करूंगी मैं केचप, और केचप ऐड करने के बाद केचप जो है सॉरी वो मैं लास्ट में ऐड करूंगी। यहाँ पे आइसबर्ग ऐड किए है और लास्ट स्लाइस पे केचप लगा दूंगी। सो ये हमारा यम्मी सा बर्गर जो है वो बन के रेडी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें जो स्टाइल से मैंने बनाया है। आप कोई भी नगेट्स ले सकते हैं, और जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डोनट्स यूज़ किए हैं, चिकन डोनट्स हैं बेसिकली ये।
सो मैंने इनको बर्गर्स में लगा के एज अ पैटी के तौर पर यूज़ किया है। तो आप भी इस तरीके से मतलब घर में होममेड जो है वो बर्गर्स बना सकते हैं, और बिलीव मी बहुत ही मज़े के ये बन गए थे। सो यहाँ पे एक प्लेटर जो है वो रेडी है, और इसी तरह मैं सेकंड प्लेटर भी रेडी कर लूँगी। सो आज की जो ये शॉर्ट सी एक रेसिपी थी, मैंने कहा कि मैंने पहले सोचा कि इसका वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बता दिया जाए। सो आई होप आपको आज की जो ये वीडियो है वो पसंद आएगी, और जो रेसिपी है जो आई होपफुली कि आपको ये पसंद आई है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। सो इसके बाद हम जो है रात के टाइम फिर आउटिंग पे निकले हैं, तो उसका भी एक क्लिप मैंने साथ अटैच कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।